चाय के साथ अक्सर हम बिस्किट टोस्ट ऐसा कुछ खाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ गुजरात की बहुत ही फेमस बिस्किट भाखरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गेहूं के आटे से बनी ये भाखरी आप बनाकर 8 से 10 दिन तक बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और बिस्कुट और टोस्ट खाना तो आप भूल ही जाएंगे जब एक बार आप घर पे ये गुजरात की फेमस बिस्किट भाखरी बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम भाखरी का आटा लगाएंगे। तो आज हम एक फ्लेवर वाली भाखरी बनाने वाले हैं और एक सिंपल वाली। तो सबसे पहले हम सिंपल वाली भाखरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब, जो नॉर्मल हम रोटी का आटा लेते हैं वो लिया है, और आधा कप मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है, यानी कि गेहूं का दरदरा आटा और जिसे रोटी बनाते हैं वो दोनों हमें समान मात्रा में लेना है। अब क्या करेंगे, चकले के ऊपर हम तिल ले लेंगे हाफ टी स्पून के करीब, हाफ टी स्पून जीरा लेंगे और हाफ टी स्पून अजवाइन। तीनों को हमें इसके ऊपर बेलनी से थोड़ा सा ऐसे दरदरा कूट लेना है। ऐसा करने से इसके अंदर का जो ऑयल होता है ना वो रिलीज होता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसकी आती है। तो इस तरह से हम इसे दरदरा ही पीस कर तैयार कर लेंगे। अब इसे हमें आटे में मिक्स करना है। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून के करीब नमक इसके अंदर मिला दिया है और मोयन इसमें अच्छा खासा जाता है, तो 3 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर मोयन डालेंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी अपने घर के हिसाब से सेट कर लीजिए। जब भी आप इसके अंदर मोयन लगाए ना, तो हाथों में मोयन लगाने के बाद एक बार मुट्ठी बनाकर चैप कर ले, तो मुट्ठी बन जाए इतना मोयन हमें इसके अंदर डालना होता है और इसका आटा भी हमें थोड़ा सा सख्ती लगाना होता है। आटा लगाते समय आप इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डाले। तो पहले हम मोयन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मुट्ठी बन रही है, इस तरह का मोयन इसके अंदर अभी हो चुका है। और मोयन को अच्छी तरह से मिक्स करना भी बहुत जरूरी है। आप चाहे तो इसमें घी का भी मोयन लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में इसे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए। तो पानी देखिए मैंने बहुत ही कम लिया है, क्योंकि ये हमें ज्यादा दिन तक स्टोर करनी होती है, तो आटा हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है। नरम आटा लगाने से ये बढ़िया बिस्किट की तरह क्रिस्पी नहीं बनती है। और आज हम इसे तवे के ऊपर ही बनाने वाले हैं, तो नाश्ते के लिए तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आप चाहे तो पहले से ही इसे बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी घर पर इस तरह से बिस्किट भाखरी नहीं बनाई है ना, तो एक बार बनाकर जरूर देखना। तो देखिए मैंने इस तरह का सख्त आटा गूंद लिया है। हमने इसमें दरदरे आटे का इस्तेमाल किया था, तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देते हैं। अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं है, तो आप एक कटोरी अगर आटा ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 कटोरी सूजी डाल दें। अब जो दूसरी फ्लेवर वाली हम भाखरी बनाने वाले हैं, उसके लिए एक तड़का पैन में मैंने 3 टेबलस्पून के करीब तेल गरम करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर हम डाल देंगे जीरा और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हरी मिर्च की पेस्ट डाली है। ये जो फ्लेवर वाली मसाला बिस्किट भाखरी है ना, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम तिल डाल देंगे और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज मेथी नहीं थी तो मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे तेल के अंदर ही सौते कर लेंगे। अब कलर के लिए थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे उसे भी। अब ये जो तड़का हमने तैयार किया है ना, उससे हम आटा लगाने वाले हैं। तो आटा मैंने अभी यहाँ पर आधा कप लिया है, आधा कप रोटी का आटा और आधा कप गेहूं का दरदरा आटा। दोनों ही आटे रोटी के यानी कि गेहूं के ही है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक फाइन है जो इसे हम रोटी बनाते हैं और एक दरदरा है। नमक स्वाद के हिसाब से मिला देंगे। अब जो तड़का तैयार किया था वो ही इसके अंदर मिला देंगे। इसके अंदर हमें अलग से मोयन नहीं डालना है, क्योंकि तड़के में हमने ऑलरेडी 3 टेबलस्पून तेल ले लिया था। मिक्स कर लेंगे और इसका भी हमें थोड़ा सा सख्ती आटा गूंदना है। जैसे हमने प्लेन भाखरी का आटा लगाया था ना, उसी तरह से इसका भी आटा लगा लेंगे। पहले हम तड़के को मिक्स कर लेंगे बराबर से। इसमें आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपको मोयन अच्छे से डालना है, और मोयन डालने के बाद चेक करना है कि मुट्ठी बनती है कि नहीं, और आटा सख्त गूंदना है बस। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपकी ये बिस्किट भाखरी पहले ही
एफर्ट्स में आपकी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो देखिए मोयन मिक्स हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। और एक बात कि आटे को रेस्ट पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने दर दर आटा लिया है। अगर आप सूजी भी ले रहे हैं तो भी उसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट आप अवश्य दें। तो देखिए आटा हमारा गूंथकर तैयार हो चुका है, और इसी तरह से आपको आटा लगाना है। पानी बहुत ही कम मिला है, क्योंकि आटा अगर नरम हो गया है ना, तो आपकी जो भाखरी है ना, वो बिस्किट जैसी बहुत ही बढ़िया नहीं बनेगी। तो ये आटा भी लग चुका है, तो इसे भी हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और पानी देखिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ही इस्तेमाल में लिया है। अभी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो जो आटा हमने लगाकर रखा था प्लेन भाकरी का, तो वो चेक कर लेंगे। देखिए आटा हमारा बहुत ही सख्त लगकर बढ़िया से सेट हो चुका है, तो इसके हम दो हिस्से कर लेंगे। और आटा आपका अगर बढ़िया लगा होगा ना, तो ऐसे ही कुछ दिखाई देगा। अब इसे हम पहले मिक्स करेंगे, और आटा सख्त है तो थोड़ी सी क्रैक्स आएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से छोटे छोटे लोए तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर हाथों के ऊपर लगाएं, और जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, उसे आप मिलाते जाएं। तो अभी इसे हम बेल देंगे, तो बेलते वक्त भी किनारे के ऊपर इस तरह से क्रैक्स आपको दिखाई देंगे, तो आपको इसे जोड़ते जाना है। और हम क्या करेंगे कि हमारी जो भाकरी है ना, वो एक जैसी बने, इसके लिए हम उसे कट कर लेंगे। और ये हमें थोड़ी सी मोटी रखनी है, ज़्यादा पतला ना बेले। तो यहाँ पर मैंने एक कुकी कटर ले लिया है, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं और फिर उसे कट कर ले। तो हमारी जो भाकरी है ना, वो एक जैसी बनेगी, और किनारे पर भी बिल्कुल वैसे क्रैक्स नहीं दिखाई देगी। तो इतनी मोटी हमें रखनी है, तो इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। और बीच में हमें नाइफ से इस तरह से होल कर देना है, ताकि अंदर तक अच्छे से ये पककर तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैं ये जो प्लेन वाली बिस्किट भाकरी है ना, वो तैयार कर लेती हूँ। और ठीक इसी तरह से हमने जो मसाला भाकरी का आटा लगाया था ना, उसमें से भी हम भाकरी तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हमें उसी तरह से बेल लेना है, और फिर कुकी कटर से कट कर लेना है। आप कोई भी डिब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं, या फिर कोई कटोरी ले सकते हैं, और साइज भी आप अपने पसंद के हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। अभी मैंने इसे मीडियम साइज में ही बना लिया है। और एक खास बात जो मैंने आगे भी बताई थी, फिर से बता रही हूँ कि इसे आप थोड़ी सी मोटी ही रखें, ज़्यादा पतली ना बेले, और नाइफ से इस तरह से कट कर दे, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से ये पक जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, क्योंकि हम इसे 8 से 10 दिन तक स्टोर करने वाले हैं। अगर ये अच्छी तरह से सीख कर तैयार नहीं होगी ना, तो जल्दी से खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है, और ये जो भाखरी हमने तैयार करके रखी थी ना, वो एक साथ तवे के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से तवे में हमें इसे रखते जाना है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। आपके घर में जो भी छोटा वाला बर्नर है ना गैस का, आप उसका इस्तेमाल करें, और वो भी बहुत ही स्लो रखें, तभी ये बढ़िया से सीख कर तैयार होगी। और इसे सीखने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो आप इसे सावधानी से थोड़ी सी धीरज के साथ सीख कर तैयार करें। सीखने के बाद ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। अगर आपने एक बार इसे बना लिया ना, तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। 1 से 2 मिनट हो जाने पर इसे हम पलट देते हैं, और इसे हमें इस तरह से उलटते पलटते हुए ही 10 से 12 मिनट तक पकाकर तैयार कर लेना है। और बीच में जो हमने भाकरी रखी है ना, वो जल्दी से पककर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम उसे सीख लेंगे, और फिर उसकी जगह चेंज कर लेंगे। यानी साइड वाली जो भाकरी है ना, वो बीच में रखेंगे और बीच वाली साइड में रख देंगे। तो ऐसा करते हुए हमें इसे तैयार कर लेना है। और इसके ऊपर हम हल्का सा घी लगा देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप बिना घी लगाए इसे खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं, लेकिन घी से ये बहुत ही बढ़िया लगता है। घी लगाने के बाद फिर से हम उसे 2 से 3 मिनट के लिए सीक कर तैयार कर लेंगे। तो हमारी बिस्किट भाखरी अभी बन के तैयार है, दो फ्लेवर वाली। तो एक बार दोस्तों आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं इसे अभी आपको तोड़ के बता रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।